आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के दो सम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 306 पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं हो यहाँ से देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर ₹35,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब उदय ने गुड्स परचेज किए हैं और शंकर ने गुड्स सेल किए हैं। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे इन्होंने जर्नल एंट्रीज हमको शंकर की बुक्स में पास करने के लिए बोला है, तो आप शंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। शंकर ने गुड्स सेल किए, उदय ने परचेज किए, मतलब शंकर ने सेल किए, तो बिल कौन बनाएगा? शंकर बनाएगा। शंकर यहाँ पे ड्रॉअर है। तो आपने गुड्स सेल किए, मतलब शंकर ने गुड्स सेल किए हैं और ₹35,000 अमाउंट के गुड्स सेल किए हैं, लेकिन उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो आपको पता होगा दो तरीके, आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम बुक में शो करते हैं, बट वी डोंट शो ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बुक में नहीं आता है। तो आपकी इसकी एंट्री होगी सेल्स की एंट्री, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर सेल्स विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। और किसको सेल किया आपने? उदय। तो उदय इज रिसीवर ऑफ द गुड्स, सो ये जो ट्रांजेक्शन है इसकी एंट्री होगी उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट जो होगा वो 35,000 नहीं लिखेंगे आप, 35,000 में से 10% ऑफ 35,000 इज 3,500, सो वी विल डिडक्ट 3,500 फ्रॉम 35,000 एंड वी विल राइट 31,000 इन द अमाउंट कॉलम। सो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल बी 31,000। 31,000 मतलब समझ गया होगा आपको, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखा आपने, और वो ट्रेड डिस्काउंट कहाँ गया वो आपको शो नहीं करना है। सो ये आपका फर्स्ट एंट्री है। उसके आगे क्वेश्चन है, उदय पेड 31,500 में से ₹1,500 उसने अभी आपको पे कर लिए, तो कैश पे किया उसने, तो सेकंड एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट। वेन एवर वी रिसीव कैश, कैश इज डेबिटेड बिकॉज कैश इज ए रियल अकाउंट एंड एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट वॉट एवर डेबिट वॉट कम्स है। तो कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट 1,500 एंड उदय इज गिवर, सो उदय विल बी क्रेडिटेड फॉर 1,500, नरेशन बींग कैश रिसीट फ्रॉम उदय। उसके बाद बचे ₹30,000, ₹30,000 31,500 में से 1,500 उसने पे कर दिया, सो 30,000 बाकी है। ₹30,000 के लिए आपने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, और ये एंट्री याद ही रखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में, वेन एवर बिल इज ड्रॉन एंट्री होगी आपकी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल इज 30,000। 30 समझ गया होगा आपको, 1,500 आपने माइनस किया है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे मेंशन किया है बिल बनने के बाद, बिफोर द ड्यू डेट उदय अप्रोच शंकर विथ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। इसका मतलब है कि ड्यू डेट से पहले उदय आपको अप्रोच कर रहा है, शंकर मतलब आप अज्यूम कीजिए आप शंकर हैं, उदय आपको अप्रोच कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बिल नया बनाने के लिए, रिन्यू करने के लिए बना रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है मतलब नया बिल बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और नया बिल बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है मतलब आपका ओल्ड बिल कैंसिल होगा, ठीक है, आपका ओल्ड बिल कैंसिल होगा। वेन एवर देर इज अ रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल वी विल अज्यूम और वी विल अंडरस्टैंड दैट द ओल्ड बिल गेट कैंसल्ड, आपका पुराना बिल कैंसिल हो जाता है। बट आपने शंकर ने एक एग्री किया है, बट उसने एक कंडीशन रखी है कि उदय शुड पे ए न्यू बिल, उदय शुड एक्सेप्ट ए न्यू बिल फॉर 3 months इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। शंकर नया बिल बनाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक कंडीशन डाली है कि उदय को नया बिल एक्सेप्ट करना होगा 3 महीने के लिए और उसको उसको 12% इंटरेस्ट भी लगेगा। तो यहाँ पे 3 एंट्रीज हैं इसमें, पहला तो आपको ओल्ड बिल कैंसिल करना होगा, उसके बाद आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 12%, और उसके बाद आप उसके ऊपर एक नया बिल बनाएंगे। तो पहले हम एंट्री पास करेंगे, आपका नया बिल बनेगा। सो यहाँ पे देखिए ये बिल, सॉरी पुराना बिल डिसऑनर्ड करना है आपको, तो ये आपका पुराना बिल डिसऑनर्ड है, डिसऑनर्ड की एंट्री है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जो आपने बिल ड्रॉन की एंट्री ली थी उसी को रिवर्स कर देना है। यहाँ पे आपका बिल डिस्काउंटेड इंडोर्स या सेंट फॉर कलेक्शन कुछ नहीं है, तो सब कुछ नहीं आएगा, आप लिखेंगे उदय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 30,000 30,000 का बिल था, और आपने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, ड्रॉअर के लिए इनकम है, सो इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एंड वी हैव टू रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम उदय, सो उदय इज आवर डेटर, सो हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड।
अगर इनकम है तो क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट हमेशा इनकम ही रहेगी ड्रॉअर के लिए, तो उसके बुक में क्रेडिट होगा। तो उदय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अच्छा, अभी 900 कहाँ से आया? ये जो बाकी अमाउंट है 30,000 पे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, ये क्वेश्चन में दिया है आपको, एंड पीरियड ऑफ न्यू बिल इज 3 मंथ्स। तो आपने 30,000 पे 12% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया, मतलब 30,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12। आप कैलकुलेट कीजिए, आपको 900 आएगा। 30,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, तो आपको इंटरेस्ट आ गया 900। और फिर आपने एक नया बिल ड्रॉ किया। अगेन, वेन एवर बिल इज ड्रॉन, चाहे कितनी बार भी बिल बने एक ही क्वेश्चन में, जो पहले एंट्री पास की थी बिल ड्रॉन की, वही याद रखिए। यहाँ पे भी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट, लेकिन इस बार बिल का अमाउंट 30,900 हो गया, 30,000 बाकी था और 900 आपने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, सो आपका अमाउंट हो गया 30,900। आपका नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको। 30,900 पे 30,000 और 900 रुपये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया था? बैलेंस अमाउंट पे, इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। 30,000 में से मान लीजिए अगर उसने 10,000 दे दिए होते तो इंटरेस्ट आप 20,000 पे कैलकुलेट करते, 20,000 पे 12% फॉर 3 मंथ्स। सो दिस वे द फर्स्ट सम इज सॉल्व। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये है, ये भी सेम पेज पे ही है। प्रियंका ओफ्ट मीना, यहाँ पे दो लोग हैं, प्रियंका और मीना। ओफ्ट, ओड मीन्स टू पे, ओफ्ट मीन्स टू पे। प्रियंका मीना को 18,000 रुपये पे करेगी। प्रियंका विल पे 18,000 रुपीज टू मीना। सो ऑब्वियसली यहाँ पे बिल कौन ड्रॉ करेगा? मीना ड्रॉ करेगी। प्रियंका को मीना को 18,000 पे करने हैं, मतलब मीना 18,000 रुपये प्रियंका से लेगी। तो प्रियंका एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय मीना। प्रियंका ने बिल एक्सेप्ट किया, मीना ने ड्रॉ किया, सो मीना इज ड्रॉ, और आपको जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीना बोला है। तो बिल ड्रॉन की एंट्री जिसे लास्ट सम में थी, वेन एवर बिल इज ड्रॉन, आपकी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे आपका सम सेल्स और परचेज से स्टार्ट नहीं है, तो आप वो सेल्स वाली एंट्री नहीं करेंगे। वो एंट्री तभी आती है जबका आपका ट्रांजेक्शन सेल्स और परचेज से स्टार्ट है। यहाँ पे सीधा बोला है कि प्रियंका 18,000 रुपये मीना को देनी बाकी है, और प्रियंका ने बिल एक्सेप्ट किया जो मीना ने ड्रॉ किया। तो बिल ड्रॉन की एंट्री फर्स्ट एंट्री देख लीजिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट 18,000 18,000। यहाँ पे डेट कॉलम में, लास्ट समय भी डेट कॉलम में डेट नहीं दी हुई है, तो आप 1, 2, 3, 4 से काम चलाएंगे। तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ ड्रॉई, इट इज प्रियंका 18,000। ये आपका फर्स्ट एंट्री हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है, मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर। मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर। अभी एंडोर्समेंट ये होता है, इस समय प्रियंका पे करेगी मीना को, बट मान लीजिए मीना को भी सागर करके कोई पर्सन है उसको पे करना है, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश टू सागर, मीना ने बोला कि 18,000 रुपये जो 4 महीने के बाद प्रियंका से मिलने वाला है, वो बिल उसने सागर को दे दिया, और सागर को बोला कि आप डायरेक्टली प्रियंका से पैसे ले लीजिए। प्रियंका अगर पे नहीं करेगी सागर को, तो सागर वापस मीना से पैसे मांग सकता है। एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि ड्रॉअर को पे कर रहे हैं एंडोसी को, इसको आप पे भी बोलते हैं। तो पे करने के बदले उसने जो बिल प्रियंका ने एक्सेप्ट किया हुआ था, वो बिल सागर को दे दिया। तो ये एंडोर्समेंट हो गया, एंडोर्स्ड सागर रिसीवर है, तो सागर अकाउंट डेबिट सेकेंड एंट्री, सागर अकाउंट डेबिट एंडोसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंडोसी इज रिसीवर, सो हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बिल रिसीवेबल गोज आउट, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा। ठीक है, सो सेकेंड एंट्री हो गई आपकी सागर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एंडोर्समेंट की एंट्री है। एंड द नेक्स्ट इज बिफोर ड्यू डेट, प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। लास्ट सम जैसे फिर से आ गया कि रिन्यूअल की रिक्वेस्ट आई है। आप समझ जाइए, रिन्यूअल की रिक्वेस्ट आई है मतलब आपका बिल डिजोनर्ड होगा, और डिजोनर्ड की एंट्री, ये थर्ड एंट्री डिजोनर्ड की है। यहाँ पे प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, लास्ट सम में यहाँ पे आपने ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल लिखा था, रीजन लास्ट सम एंडोर्स्ड नहीं था। अगर आपका बिल एंडोर्स्ड है और उसके बाद डिजोनर्ड होता है, तो आप ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ एंडोसी लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका बिल डिस्काउंटेड विद बैंक है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे बैंक आता है, और अगर आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन आता है। मतलब हर एक समय ड्रॉई डेबिट होगा, आपको यहाँ पे ड्रॉई का नाम लिखना है, बट क्रेडिट में क्या रहेगा ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका बिल एंडोर्स्ड है,
डिस्काउंटेड है और बिल सेंड फॉर कलेक्शन है या कुछ भी नहीं है। तो ये एक लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे क्या आता है। तो इस सम के लिए आप याद रखिए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल है, बट यहाँ पे बिल इंडोर्स्ड है तो आप इंडोसी का नाम लिखेंगे। तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट बीइंग इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, 18,000 का बिल डिसऑनर्ड हो गया। अब आप देखिए उसके आगे क्या है क्वेश्चन में, रिन्यूअल ऑफ द बिल, मतलब बिल डिसऑनर्ड करना है। मीना उसकी कंडीशन मान गई, लेकिन मीना ने क्या बोला है कि 6,000 आप अभी पे करोगी, 18,000 बाकी हैं उसमें से 6,000 आप अभी पे करोगी टुगेदर विथ इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी अभी देना पड़ेगा 6,000 रुपये के साथ, और इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड जो न्यू बिल का पीरियड है 3 मंथ्स। तो मतलब अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, बट इंटरेस्ट 18,000 पे नहीं कैलकुलेट होगा, जितना पैसा उसने दे दिया वो माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 12,000 पे, 12,000 कहाँ से है, 18,000 माइनस 6,000, सो रिमेनिंग अमाउंट इज 12,000, 12,000 पे 8% और पीरियड इज 3 मंथ्स। तो इंटरेस्ट की एंट्री वही रहेगी जो लास्ट सम में थी, सेम एंट्री प्रियंका अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, प्रियंका ड्रॉई है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। 240 कहाँ से है, ये आपने कैलकुलेट किया 12,000 पे, 12,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड पीरियड ऑफ बिल इज 3 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पीरियड ऑफ बिल इज 3 मंथ्स। तो ये 12,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12 आपको मिला 240, ठीक है, 12,000 क्लियर है, 18,000 माइनस 6,000 वो पे करेगा। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट का एंट्री, इंटरेस्ट का एंट्री ये हमेशा सेम रहेगा, ओनली द नेम ऑफ ड्रॉई विल चेंज, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड सिंस इट इज इनकम फॉर द ड्रॉवर। सो ये इंटरेस्ट हो गया, और इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। ये इंटरेस्ट पे, ये आपको ड्रॉई से इंटरेस्ट लेना, 18,000 तो आप लेंगे, 240 इंटरेस्ट अलग से चार्ज किया आपने उससे, सो टोटल अमाउंट अब उससे कितना लेना है, 18,240, उसमें से उसने 6,000 रुपये अभी दिया आपको, और प्लस जो इंटरेस्ट आपने उस पर चार्ज किया वो पैसे भी वो अभी दे रहा है, तो आपको टोटल कितना दे रहा है, 6,240, 6,000 प्लस इंटरेस्ट 240 दोनों मिला के उसने अभी दे दिया, तो आपको पैसे आ रहे हैं। तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड विद इंटरेस्ट, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड विद इंटरेस्ट 6,240, 6,240 कैसे, 6,000 रुपये प्लस 240। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे बोला है प्रियंका शुड एक्सेप्ट ए न्यू बिल फॉर द बैलेंस। अच्छा बैलेंस कितना रह गया, 18,000 था, 18,000 में से उसने 6,000 दे दिए, तो बैलेंस 12,000 प्लस 240 इंटरेस्ट हुआ था, लेकिन वो इंटरेस्ट दे चुकी है, तो 12,240 नहीं होगा, ओनली 12,000 इज रिमेनिंग। उसके लिए आपने उसके ऊपर एक नया बिल ड्रॉ किया, उसने वो बिल एक्सेप्ट किया, तो उसकी एंट्री देखिए। आपकी नेक्स्ट एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, अमाउंट इज 12,000, 12,000 क्लियर है आपको, 18,000 माइनस 6,000, इंटरेस्ट नहीं ऐड होगा क्योंकि इंटरेस्ट वो ऑलरेडी दे चुकी है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला ये बिल बन गया, हाउएवर अब वो बिल का पैसा देना था, जिस दिन पैसा देना था प्रियंका बिकेम इंसॉल्वेंट, प्रियंका बिकेम इंसॉल्वेंट हो गई मतलब बैंकक्रप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकक्रप्ट हो गई, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपका पैसा दे पाए, आपका ही नहीं, वो अब किसी का भी पैसा नहीं दे पाए, बैंकक्रप्ट मतलब वो आदमी जो जिसकी लायबिलिटीज उसकी एसेट से ज़्यादा हो जाती है, और वो अब इस पोजिशन में नहीं है कि उसने जो भी पैसा लोगों से लिया है वो पे कर पाएगी। तो अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया मतलब वो आपका बिल भी पे नहीं कर पाएगा, वो आपका बिल भी पे नहीं कर पाएगा, तो आपका बिल डिसऑनर्ड होगा। अगर आपका ड्रॉई आपके बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है मतलब वो बिल डिसऑनर्ड होगा, और ये कब होगा, जब भी आपके क्वेश्चन में बोला रहेगा कि ड्रॉई बिकेम इंसॉल्वेंट, तो वो ये टर्म नहीं देंगे कि बिल डिसऑनर्ड हो गया, वो ये अंडरस्टूड है कि जिस आदमी से पैसे लेने हैं, जिसके ऊपर आपने बिल ड्रॉ किया है, जिसने आपका बिल एक्सेप्ट किया है, वो आदमी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो डेफिनेटली वो आपके पैसे नहीं देगा, मतलब आपका बिल डिसऑनर्ड होगा। तो डिसऑनर्ड की एंट्री आप यहाँ देखिए, 7 नंबर एंट्री है,
प्रियंका अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इसी सम में ये सेकंड एंट्री है बिल डिसऑनर्ड की। इससे पहले भी बिल डिसऑनर्ड हुआ था, लेकिन वहां पे आपने सागर लिखा था। लास्ट एंट्रीज आप देख लीजिए डिसऑनर्ड की, वहां पे आपने सागर लिखा था। सागर इसलिए लिखा था कि वो बिल आपका इंडोर्स था और इंडोर्स के बाद डिसऑनर्ड हुआ था, तो आप ड्रॉई का नाम लिखते हैं। यहाँ पे आपने बिल इंडोर्स नहीं किया था, यहाँ पे बिल ड्रॉ और उसके बाद इमीडिएटली डिसऑनर्ड हो गया, तो आप प्रियंका अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो मैंने आपको बताया कि ये जो डिसऑनर्ड होता है उसमें ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा ये कंफर्म है, बट क्रेडिट में चेंज होते रहता है। ये क्रेडिट में कभी बिल रिसीवेबल आएगा, लास्ट एंट्री में इंडोसी था तो इंडोसी का नाम आएगा, अगर बिल कलेक्शन के लिए दिया तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन आएगा, और बिल डिस्काउंटेड रहेगा तो कभी कभी बैंक भी आता है। तो ड्रॉई डेबिट कंफर्म है, बट क्रेडिट में क्या रहेगा वो जरा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बिल रिसीवेबल लिख रहा हूँ क्योंकि बिल ड्रॉन हुआ और उसके इमीडिएटली डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 12,000। ठीक है, तो आपका ड्रॉई आपको पेमेंट नहीं कर पा रहा है, बट 50% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, मतलब उसकी प्रॉपर्टी बेच के आपने 50% अमाउंट वसूल कर लिए, जितना पैसा उस पर बाकी था 50% आपने वसूल कर लिया है, तो इसकी एंट्री आएगी आपकी, आपको पैसे मिल रहे हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट, पूरे पैसे मिले क्या, 12,000 बाकी थे, 50% मिला मतलब 6,000 मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट 6,000। वेन एवर वी रिसीव कैश कैश इज डेबिटेड, और पूरा पैसा नहीं आया, 6,000 आया, 12,000 में से 6,000 आया, बाकी के 6,000 अब आपको कभी मिलेंगे भी नहीं, तो अकाउंटिंग टर्म है इसके लिए बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मीन्स द अमाउंट विच कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स, तो उसको आप बोलते हैं बैड डेब्ट्स। सो बैड डेब्ट्स अकाउंट इज ऑल्सो डेबिटेड, इट इज लॉस फॉर द बिजनेस, एंड लॉस और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है। सो कैश कम्स इन, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द ड्रॉई जिससे पैसे लेने थे, टू प्रियंका अकाउंट 12,000, एंड नरेशन बीइंग 50% ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, मतलब उसकी प्रॉपर्टी बेच के ये आपको आखिरी पैसा मिला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट एंट्री एक बार फिर से देखते हैं, कैश कम्स इन दैट्स व्हाई कैश इज डेबिटेड, बट द इंटायर अमाउंट इज नॉट रिसीव, ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव, सो 12,000 का 50% इज 6,000, 12,000 में से 6,000 मिल गए, बाकी के 6,000 अब आपको कभी मिलेंगे भी नहीं, वो आपका लॉस है, और उसको हम टर्म बोलते हैं बैड डेब्ट्स, और इसको डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये लॉस है। एंड प्रियंका इज गिवर, तो रूल पता है आपको, पर्सनल अकाउंट है प्रियंका और गिवर है, उसके पास से पैसे आ रहे हैं, तो सी इज गिवर, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझा होगा आपको, ये दो सम सॉल्व किए हमने, आगे भी सम्स करेंगे, आप देखते रहे। ओके, थैंक यू।